सो हे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पोको F3 GT गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर हमें काफी जल्द देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन आपको Redmi K40 गेमिंग एडिशन का एक रीब्रांड वर्जन होगा, जो कि चाइना के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और आपको ये स्मार्टफोन अब इंडिया के अंदर भी काफ़ी जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस डिवाइस को लेकर काफ़ी सारे जो लीक्स एंड रूमर्स आना स्टार्ट हो चुका है, जिससे ये पता चलता है कि ये डिवाइस हमें इंडिया के अंदर काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस को खास तौर पर जो है गेमर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस जो है प्राइस के अकॉर्डिंग टॉप नॉच की मिलने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं पोको F3 GT स्मार्टफोन के कन्फर्म फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, और साथ ही स्मार्टफोन हमें इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिलेगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और इसी तरह के डेली टेक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके फ्रंट साइड के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है 6.67 इंच की एक बिग डिस्प्ले दिया जाएगा, जहाँ पे आपको OLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि फुल HD प्लस जो है रेजोल्यूशन के साथ आएगा। और वहीं आपको 120Hz का डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट, और वहीं आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को स्मूथ करने के लिए 480Hz का टच सैम्पलेट देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको प्राइस के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी बेटर मिलेगा। साथ ही बात करें इसके बिल एंड डिज़ाइन के बारे में, तो ये डिवाइस आपको दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होगा, और यहाँ पे जो है गेमिंग वाली लुक देने की कोशिश की गई है, और आपको बैक साइड की ओर जो है ग्लास बैक पैनल यूज़ किया गया है। तो हैंड्स ऑन आपको ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देगा। और अच्छी बात यह है कि आपको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन में मिल जाता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे डस्ट एंड स्प्लैश प्रोटेक्शन के लिए IP53 की रेटिंग दी गई है। कैमरा की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको जो है ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप के साथ आता है, जहाँ पे आपको मेन सेंसर 64 MP का मिलेगा, जो कि विथ F1.65 अपर्चर के साथ आता है। इसके अलावा आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया जाएगा, एंड आपको 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट की ओर जो है 16 MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और ये डिवाइस आपको स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आएगा। और वहीं बात कर जाए इसके पावर के बारे में, तो इस डिवाइस को पावर देने के लिए 5065 mAh का बैटरी मिलता है, जिसे चार्ज करने के लिए आपको 67W की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन द बॉक्स मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल जाता है, बट आपको 3.5 mm की ऑडियो जैक जो है यहाँ पर स्किप कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो एक गेमिंग स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे पोको को जो है 3.5 mm ऑडियो जैक देना ही चाहिए था, बट पता नहीं यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं इस डिवाइस के मेन हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि इसका परफॉर्मेंस होने वाला है। तो यहाँ पे आपको MediaTek का न्यू Dimensity 1200 का 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि 6nm की टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिसका सिंगल कोर आपको 3GHz पर क्लॉक किया गया है, जो कि Cortex A78 CPU पर बेस्ड है। और वहीं आपको 3 कोर जो है 2.6GHz पर क्लॉक्ड है, और ये भी आपको Cortex A78 पर बेस्ड है। साथ ही आपको 4 कोर जो है 2GHz पर क्लॉक्ड है, जो कि Cortex A55 CPU पर बेस्ड है। और वहीं आपको गेमिंग के लिए माली G77 का GPU मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको वेपर चैमर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे अगर आप इस स्मार्टफोन को लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हैं तो भी आपका डिवाइस जो है ओवरहीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफ़ी टॉप नॉच का मिलेगा, आप किसी भी गेम को काफ़ी स्मूथली प्ले कर पाएंगे। और ये डिवाइस आपको एंड्रॉयड 11 के साथ आएगा, जो कि सोमी के MIUI 12.5 पर बेस्ड होगा। तो अब बात करते हैं इसके स्टोरेज के बारे में। तो ये डिवाइस आपको 3 से लेकर 4 वेरिएंट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो आपको 6GB+128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। इसके अलावा आपको 8GB+128GB 12GB+256GB तक की रैम भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको UFS 3.1 की स्टोरेज, साथ ही आपको LPDDR4X का रैम मिल सकता है। और ये स्मार्टफोन आपको इंडिया के अंदर जो है करीब नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक तक इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। और प्राइसिंग की बात करी जाए तो लीक्स के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन आपको, और वहीं चाइना के प्राइसिंग के अकॉर्डिंग 25,000 के आसपास हो सकता है। सो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस डिवाइस को पोको इसी प्राइसिंग के आसपास लॉन्च करता है, तो रियल स्मार्टफोन इस प्राइसिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर स्मार्टफोन होगा। और ये डिवाइस रियलमी के X7 मैक्स और वहीं Mi 11X 5G स्मार्टफोन को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने वाला है। तो देखते हैं पोको अपने इस डिवाइस का प्राइसिंग क्या कुछ रखता है, और ये डिवाइस हमें इंडिया के अंदर कब तक देखने को मिलता है। सो दोस्तों, ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ।